आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे अपने मोबाइल के अंदर जब हद से ज़्यादा हीटिंग या हैंग प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उसको ठीक करेंगे। हाँ, बहुत लोग आजकल जानते हैं कि फ़ोन को रीसेट कर दो, मतलब फ़ोन को फॉर्मेट कर दो, सब कुछ डिलीट कर दो, या तो फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ा लो, फ़ोन जो है आपका ठीक हो जाएगा, मतलब हैंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये रीसेट करना आजकल इतना आसान नहीं है। आसानी से कर तो लोगे, लेकिन खुद के आप चंगुल में, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वो क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे मोबाइल के अंदर FRP लॉक, जो कि आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन ये FRP लॉक या आपका पासवर्ड जो है वो गूगल लॉक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपका ईमेल वगैरह रहता है ना, वो लॉक लगने के बाद आपका मोबाइल जो है सर्विस सेंटर में देना पड़ता है, उसमें 400-500 रुपए के खर्चे भी हो जाते हैं। ये वीडियो 2-3 तरीके से कह लीजिए है। एक तो आपका मोबाइल जो है फास्ट होने लग जाएगा जब आप इसको अच्छे से रीसेट कर लेते हैं। तो रीसेट हमें कब करने चाहिए अपने मोबाइल को? तो रीसेट आपको 6 महीने, या तो 6 महीने बहुत कम हो गया, 10 महीने या 8 महीने या 1 साल में तो एक बार रीसेट जरूर होना चाहिए फोन में। कर लेते हैं तो थोड़ा आपका फोन फ्रेश होता है और बेहतर तरीके से चलता है। चलिए स्टेप की ओर चलेंगे, वीडियो में आगे स्टेप में बढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। और ये ट्रिक सैमसंग, रियलमी सभी मोबाइल के लिए है, सब यूजर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कमेंट में यह भी लिख दीजिएगा कि आपका मोबाइल हैंग करता था या आपका कभी गूगल FRP लॉक लगा था, तो ये जानना जरूरी है। तो फोन को रीसेट करने के लिए जानिए और मोबाइल को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। तो रीसेट करने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। वो क्या सावधानियां हैं? तो सबसे पहले जो काम करना है फोन में लॉक लगने से बचने के लिए, फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है आपका, प्ले स्टोर के अंदर जाइए। प्ले स्टोर में ये देखिए ऊपर में ईमेल वगैरह रहता है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखेंगे मैनेज अकाउंट ऑन डिवाइस रहेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ईमेल है सबको खत्म कर देना है, रियलमी सैमसंग कोई भी मोबाइल रहे, ये देखिए ना, कोई भी मोबाइल रहे सब में यही ट्रिक काम करेगा, ठीक। तो अब ये मैं क्लिक करता हूँ, फिर ये मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए रिमूव अकाउंट है ना, रिमूव अकाउंट पे क्लिक करिए, फिर रिमूव कर दीजिए। मेरे मोबाइल में 3-4 जीमेल था, तो एक बार में नहीं होगा, फिर से जाओ, सबको रिमूव कर दो, फिर से रिमूव कर दो। हाँ, अगर आपको ईमेल याद नहीं रहता है तो ईमेल को याद भी कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके दूसरे मोबाइल में भेज दीजिए, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आपको लगता है। फिर यहाँ पे फिर मैं एक इसको भी खत्म करता हूँ, रिमूव, उसी तरीके सबको रिमूव कर देना है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन सब्र करके देखिए, आपको ही पूरा काम देगा। या तो किसी फैमिली वाले को रिसेट करने की जरूरत पड़े तो आप ये उसके फोन को उसको सेंड कर दीजिए, ताकि उन्हें आसानी होगी फोन को रिसेट करने में। ईमेल हमने पहला काम जो किया, गूगल अकाउंट सब रिमूव कर दिया। अब ये कर देने के बाद अब क्या करना है, कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में आपको जा करके यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जितने भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में रहेंगे उसको बैकअप कर लेना है। मैंने सभी जीमेल को हटाया ना, उसी मेरा सब जीमेल जो है वो कॉन्टैक्ट जीमेल में ही था, तो वो सब खत्म हो गया। लेकिन हाँ, मैं जीमेल को साइन इन करूँगा तो सब मेरा वापस आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा जो भी कॉन्टैक्ट होगा उसको बैकअप कर लीजिएगा, ठीक। अब सेटिंग में जाइएगा, अब हम रीसेट करने की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आप या तो यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, या तो यहाँ पे सर्च करिए RESET, रीसेट आ गया। रीसेट आने के बाद रीसेट पे क्लिक करिए। इरेज ऑल डाटा, फोन के अंदर जितने भी फोटो वीडियो होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। अगर आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है तो मेमोरी कार्ड में मूव कर लीजिए, या पेन ड्राइव में आपको मूव कर लेना है। जो आपके फोन में ये सब फोटो हैं वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो अपना जो है वो बैकअप करना जो जरूरी है वो है, हटा लो, मतलब बैकअप कर लो, दूसरे फोन में भेज दो, या तो जो भी करना है आप कर लीजिए। इरेज ऑल डेटा करेंगे, अब हम रिसेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। स्टेप में फिर से इरेज कर देना है, और मोबाइल के अंदर लॉक को भी रिमूव कर लीजिएगा। तो लॉक तो मैंने बंद कर लिया, तो इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं, क्योंकि ऐसे इसको ऑन होने में बस टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आगे का प्रोसेस कर लेगा। थोड़ा देर इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ये देखिए फिर से चालू हुआ फिर से। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और ये फोन को रीसेट करने के बारे में है, और इससे आपका मोबाइल भी फास्ट हो जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे सब करेंगे काम, सेटअप वगैरह कैसे करेंगे।
और देखिए वाइपिंग डाटा कर रहा था, अभी वाइपिंग डाटा हो रहा था, तो ये वाइप डाटा हो करके आगे स्टेप में आ गया। तो ये देखिए हमारा फोन फाइनली कंप्लीट हो गया। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखिए, यहाँ पे सेटअप करना है, नेक्स्ट करिए, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह ये भी मैंने कर दिया, नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ पे कंट्री आया तो कंट्री वैसे इंडिया कर दीजिएगा ढूंढ के, इंडिया 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 इंडिया, कंटिन्यू करिए, फिर ये इसको टिक कर दीजिए, ये दोनों टिक हो गया। टिक करने के बाद फिर हेड नेक्स्ट करिए, ऐसे ही होता है चाहे कोई भी मोबाइल हो, सब में ऊपर में देखिए स्किप लिखा हुआ है, लोग सोचेंगे यहाँ नेक्स्ट करेंगे, ऊपर में स्किप है, स्किप कर दीजिए, फिर ये आगे आया, एक्सेप्ट, आगे बढ़िए, स्किप, फिर अच्छा बटन जेस्चर, तो हम जेस्चर ही कर देते हैं, स्किप कर दीजिए, हमें लॉक नहीं लगाना है अभी, पर ऑटो अपडेट ओवरनाइट डन, वेलकम हमने कर दिया, और ये देखिए बस ऑलमोस्ट लगभग हो गया, गेटिंग स्टार्टेड कर दीजिए। अब ये हमने कर दिया, ये देखिए हमारा फोन फाइनली कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। अगर जो हम वो ईमेल वगैरह रिमूव नहीं करते ना, तो अभी हमारा फोन जो है एक अलग ही लॉक में एक अलग ही तरीके से फंस जाता। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपका गूगल अकाउंट था वो आप साइन इन कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उम्मीद है वीडियो से समझ में आ गया होगा फोन को कैसे प्रॉपर रीसेट करेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो को लाइक कर देनी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, कमेंट में यह भी लिख देनी है आपके पास कौन सा मोबाइल है, सैमसंग का है या रियलमी का, सैमसंग रियलमी या रेडमी या पोको इन्फिनिक्स, जो मोबाइल है आपके पास वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।